इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाललीन। प्रियादरान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और दीनी मालूमात के लिए चैनल को फॉलो करें, पेज को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आइंदा आने वाले तमाम वीडियो आप तक पहुंचे। कमेंट करके शुक्रिया का मौका दें। ऐ अल्लाह, हमको सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों का रास्ता जिस पर तेरा इनाम और एहसान हुआ है। उनके रास्ते पर मत चला जिस पर तेरा गजब हो, और गुमराह लोगों से रास्ते से हम लोगों को भटका और रास्ते से हम लोगों को बचा। इसका मतलब यह है, गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दाललीन, जो लोग भटके हुए हो, गुमराह हो, ऐसे लोगों से बल्कि हमको अल्लाह के वलियों के रास्ते पर चला। ये मतलब है उसका, है ना। तो इसका पहली आयत में उनका जो जिक्र था कि अल्लाह के इनाम जिस पर हुआ है उसके साथ हमको बना और उसके साथ में हमको चला, है ना। तो अल्लाह के इनाम वाला कौन है और भटके हुए कौन है, ये समझना बहुत जरूरी है कि इनाम वाला कौन है और भटके हुए कौन है। तो इनाम वाले की पहचान यह बता दिया कि जो गुमराह होगा, बदअकीदा होगा, बददीन होगा, वो भटके हुए होगा, और जो अल्लाह के रास्ते में होगा वो हमेशा अपना ईमान को बचा के चलेगा, वो हमेशा अपने ईमान को बचा के चलेगा। उनके रास्ते पर हम सबको चला। तो मतलब ये हुआ कि इनाम वाले की पहचान ये है कि उसके अकायद भी दुरुस्त हो, उसके आमाल भी, यानी वो काफिर भी ना हो, वो फासिक भी ना हो, ऐसे लोगों के साथ हम सबको चला। इस आयत से कुछ फायदा पता ये चला कि फरिश्ते और नबी एक मिनट के लिए भी वो गुमराह नहीं होते। इनाम वाला कौन है? मिना नबीना व सिद्दीकीना व शोहदाए व सालिहीन, ये चार ग्रुप है इनाम वाले, अल्लाह के खास बंदे। ये चार ग्रुप है, नबियों की जमात, सिद्दीकीन की जमात, शोहदा की जमात और अल्लाह के वलियों की जमात, यानी सालिहीन की जमात। ये चार ग्रुप है और ये चार ग्रुप जो होते हैं अल्लाह ताला इनको हर हाल में बचा के रखता है, इनके ईमान को भी, इनके अकीदों को भी हर हाल में बचा के रखते हैं। ना कभी वो गुनाह करे जिससे वो खुदा गजब के मुस्तहिक हो जाए, इसलिए अंबिया की पैरवी करने का हुक्म दिया कि वो ना कभी गुनाह करते हैं ना गलत रास्ते पर चलते हैं नबी अकरम। दूसरी बात ये है, तो इससे मालूम ये भी हुआ कि गुमराहों और बदमजहों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे मत चला जो गुमराह हो, बदमजहब हो, है ना। गुमराह और बदमजहबों से दूर रहना चाहिए। अल्लाह के नेक बंदों की सोबत में बैठना सख्त जरूरी है, नेक लोगों के साथ में रहना बहुत जरूरी है। क्यों? इसलिए कि नेक लोगों के साथ में रहोगे तो अल्लाह ताला तुमको उसके वसीले से नेक बना देगा, बुरे लोगों के साथ में रहोगे तो हो सकता है कि उनके सोबत की वजह से तुम भी बुरा बन जाओ, है ना। इसलिए यहाँ हदीस में आया कि चोर से अपने दौलत को इंसान हमेशा बचा के रखता है, चोर से दौलत को हमेशा इंसान बचा के रखता है। क्यों? छुपा के रखता है कि अगर इसकी नजर पड़ जाए तो हो सकता है कि मेरी दौलत को चुरा ले। लिहाजा आपके पास भी ईमान की दौलत है, और उस ईमान की दौलत का चोर कौन है? जो बदअकीदा है, बदमजहब है, जो गुमराह है, जो शैतान है, जो बदमाश है, जो बद फेल है, जिसकी किरदार सही नहीं है, जिसके आमाल सही नहीं है, जो गलत रास्ते पर चल रहा है। तो अपने दौलत को बचाने के लिए जिस तरह से तुम चोर से छुपा के रखते हो दौलत को, इसी तरह ईमान को बचाने के लिए जो गलत रास्ते पर है उससे थोड़ा सा दूर रहने के लिए कहा गया है, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाललीन। और एक बात यह है कि अल्लाह के मकबूल बंदे जहां भी हो, जब भी गुजरे हो, जैसे भी हो, सब एक ही जमात के हैं। जो भी अल्लाह के बंदे हैं सब एक ही जमात के हैं, वो सब के सब अल्लाह के खास बंदे हैं। और जो बदमाश थे उनके जमात अलग अलग हुए, लेकिन अल्लाह के नेक बंदों की जमात हमेशा एक हुआ करती है।
ये नेक बंदे कौन होते हैं? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। ये नेक बंदे कौन होते हैं? जो ईमान लाने के बाद मुत्तकी परहेजगार तकवा इख्तियार कर लेता है। चुनांचे एक बात आई है कि एक तेलन, तेलन जानते हैं, जो तेल बेचता है उसकी औरत, तेली और तेलन। वो तेलन ने सुल्तानुल आरिफिन हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमतुर रिजवान से पूछा कि आप जो जानते हैं वो गलत बात है। कहा, अच्छा हजरत, आपकी दाढ़ी अच्छी है कि मेरे बैल का दुम अच्छा है? देखिए क्या पूछते हैं, हम लोग होते तो पूरा भड़क जाते ना, ऐसे बोलेंगे हमको। हजरत बायजीद बुस्तामी से उस तेलन ने क्या कहा सुनिए कि हजरत, पूछा कि आपकी दाढ़ी अच्छी है या मेरे बैल की दुम? फरमाया, अगर मैं दुनिया से ईमान के सलामत से गया दुनिया से, जरा बोलिए बायजीद बुस्तामी का जवाब सुनिए, ईमान की हालत से अगर मैं दुनिया में चला गया, दुनिया से गया, तो मेरी दाढ़ी बदर जिहा बदर जहां बेहतर है, यानी हजारों किस्म के बेहतर है तुम्हारे बैल की दुम से, ईमान की हालत से गया तो। और अगर ये दौलत मुझसे छिन गई, ईमान की दौलत अगर मुझसे छिन गई, तो तेरे बैल की दुम मेरे दाढ़ी से कहीं गुना अच्छा है। अब ये दौलत छिनती कहाँ है? बदमाश लोगों के पास, लिहाजा हमको उससे दूर रहने का हुक्म है। ये गैर मकदूब आलिम का मतलब ये है कि गलत लोगों से हमेशा दूर रहिए, कि ये आदमी गलत रास्ते पर है, अल्लाह इससे हमको बचाए, ये आदमी गलत तरीके पर है, अल्लाह इससे हमको बचाए। क्यों? आपका ईमान की हिफाजत आप अगर कर लेंगे, तो बायजीद बुस्तामी ने दर्श दिया कि अगर मैं ईमान के साथ मर गया तो तेरे बैल से मेरी दाढ़ी बहुत अच्छी है, और अगर ईमान के साथ नहीं मर पाया तो फिर ये दाढ़ी किस काम की, तेरे बैल की दो बच्चे है ना, यही कहा था। लिहाजा अगर मोहम्मद का साथ हो जाए फिर तो समझो निजात हो जाए, अगर मोहम्मद का साथ हो जाए फिर ये समझो कि निजात हो जाए। यहां तक बात थी।